हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों ने लबनान बेरूत में हुए ब्लास्ट के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे क्लिप्स देखे, यहाँ तक कि लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर करके अपने वीडियोस क्लिप्स फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शेयर किए, और यहाँ तक कि टिकटॉक पे भी उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आई। तो दोस्तों, लेकिन हकीकत बहुत ही कम लोगों ने बयान की कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ कैसे। असल में क्या हुआ कि वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का जो शिप पिछले 6 साल से वहाँ पे खड़ी थी, और वहाँ पे नाकस इंतज़ामिया की वजह से वहाँ पे अच्छी तरह से उसको मैनेजमेंट पे नहीं लाया गया, और वो जो केमिकल इतने सालों से वहाँ पे पड़ा था, और वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से एक्सप्लोज हो गया। एक्सप्लोजर होने की वजह सिर्फ यही थी कि वहाँ पे जो मौसम है, वहाँ पे जो इतने सालों से केमिकल पड़ा था, जिसकी वजह से उसको ब्लास्ट होना ही था। बहुत सारे लोगों ने इंकशाफ किया कि दूसरे ममालिक में ये वहाँ पे साजिश हुई। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो करीबी ममालिक हैं उन्होंने वहाँ पे हमला किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि अमेरिका ने किया, लेकिन असल में हकीकत जो वहाँ पे मौजूद मीडिया और वहाँ पे मौजूद जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि ये गलती और खुताई इंतज़ामिया से ही हुई है, क्योंकि वो एक बेरूत की पोर्ट है, और वहाँ पे पोर्ट में जो करीबी घर थे वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आए। लोगों की खिड़कियाँ टूट गई, लोगों के बच्चे गिरे, और यहाँ तक बहुत सारे क्लिप्स ऐसे मिले जहाँ पे माँ बाप ने अपने बच्चों को बचाया भी। तो प्लीज़, आपने जो भी वीडियोस देखी हैं, हकीकत आप मीडिया पे पूरी तरह से देख लें, आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी, और आप हकीकत पे बिलीव भी किया करें। और ये किसी का ब्लास्ट नहीं है और किसी की साजिश नहीं है। वहाँ पे मौजूद जो अमोनियम नाइट्रेट केमिकल इतने सालों से पड़ा था, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।